हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग गाइस आज मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रही हूँ मशीन लर्निंग के या यू कह लें कि हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे आपके मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में तो मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं लेकिन कुछ रह भी गए थे टॉपिक्स जो मैं इस वीडियो के थ्रू कवर कर रही हूँ सो गाइज टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड तो यहाँ पे ये आपका यूनिट वन है यूनिट वन में हमने डिस्कस किया था लर्निंग क्या होती है टाइप्स ऑफ लर्निंग भी हमने डिस्कस किया था क्या क्या था सुपरवाइज अनसुपरवाइज एंड री एनफोर्समेंट लर्निंग वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम क्या होती है ये भी डिस्कस किया था डिजाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम इसके कुछ स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे और ये भी देखा था कि उसका जो लास्ट स्टेप है वही टेन मार्क्स में पूछ लिया गया था कि फाइनल डिजाइन आप एक्सप्लेन करो चेकर्स गेम का हिस्ट्री हमने नहीं करी थी डिस्कस तो ये हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेज मशीन लर्निंग के ए एन एन कर लिया था क्लस्टरिंग री एनफोर्समेंट लर्निंग डिसीजन रीलर्निंग बेजियन नेटवर्क रह गया तो ये हम करेंगे एस बी एम हम कर चुके जेनेटिक एल्गोरिदम हो गया इशूज हो चुका मशीन लर्निंग में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस भी हमने देखा था तो यहाँ पे हम हिस्ट्री और बेजियन नेटवर्क के बारे में देखेंगे यूनिट टू का अगर देखें तो ये रिग्रेशन हम कर चुके बेजियन लर्निंग में हम हमारा बेजियन ऑप्टिमल क्लासिफायर रह गया एक तो और आपका बेजियन बिलीफ नेटवर्क ही रह गया बाकी सब हम कवर कर चुके हैं और वेक्टर मशीन भी वी हैव ऑलरेडी कवर तो ये टॉपिक्स आज हम देखते हैं और फर्दर यूनिट्स के भी अभी मैं आपको बताती जाऊंगी सिलेबस वाइज की क्या क्या टॉपिक्स रह गए हैं इसी वीडियो में और क्या क्या नहीं रह गए हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हिस्ट्री रही मशीन लर्निंग की तो नाइनटीन फोर्टी थ्री में जो हमारे न्यूरो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट थे वॉरन और मैथमेटिशियन पिट्स इन्होंने क्या करा इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से बनाए न्यूरॉन्स और उन से इन्होंने बनाया एक न्यूरल नेटवर्क यानी कि 1943 में इलेक्ट्रिक सर्किट से एक न्यूरल नेटवर्क बनाया गया 1952 में अर्थर सैमुअल ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो खुद से सीखने की क्षमता रखता था यानी कि जो खुद से लर्न कर सकता था ऐसा कंप्यूटर इन्होंने बनाया उसके बाद 1958 में जो फ्रैंक रॉजन ब्लेट थे उन्होंने पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया जिसको हम कहते हैं परसेप्ट्रॉन ही हम पढ़ चुके हैं परसेप्ट्रॉन क्या होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपका किसका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इसका गोल क्या था पैटर्न को और शेप को रिकॉग्नाइज करना तो नाइनटीन में इसको बनाया गया उसके बाद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है आपके उसमें बीपीएन एलगोरिथम यूज होती है तो किस तरीके से बैक प्रोपोगेशन एलगोरिथम यूज होगी आपके न्यूरल नेटवर्क्स में इस चीज को लाया गया इन नाइनटीन 86 उसके बाद 1977 में जो आपका कंप्यूटर है डीप ब्लू कंप्यूटर उसको बनाया गया तो इस कंप्यूटर को बनाया गया था चेस प्ले करने के लिए यानी कि इसमें बहुत सारे डेटा सेट्स दिए गए और इसको ट्रेन किया गया टू प्ले द चेस यानी कि एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर था और इसने क्या किया था इसने जो वर्ल्ड का बेस्ट चैंपियन था उसको डिफीट किया था उसको बीट किया था इस कंप्यूटर ने 97 में उसके बाद आपका ट्वेंटी सेंचुरी में यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के मशीन लर्निंग मॉडल्स है जैसे कि डीप माइंड हो गया ओपन ए हो गया और भी बहुत सारे हमारे पास मशीन लर्निंग के मॉडल हैं तो जो डीप माइंड होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज से यूज होता है और ओपन ए क्या करता है आपका टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्ट करता है आपने कोई टेक्स्ट दिया तो ये ए का वो मॉडल है जो टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर देता है और ऐसे काफी सारे मॉडल्स है सो so कैस ये थी छोटी सी हिस्ट्री हमारी मशीन लर्निंग की पहले हमारे न्यूरल नेटवर्क्स बनाए गए विद द इलेक्ट्रिक सॉकेट फिर अर्थर सैम्बल ने एक पहला कंप्यूटर बनाया जो खुद से सीखता था फिर परसेप्ट्रॉन बनाए गए फिर बैक एल्गोरिथम आया फिर डीप ब्लू कंप्यूटर बनाया गया उसके बाद ट्वेंटी सेंचुरी में हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और मशीन लर्निंग उसके बाद आता है हमारा बेजियन बिलीफ नेटवर्क क्या होता है तो बेजियन बिलीफ नेटवर्क एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल है ठीक है यानी कि ग्राफिकल मॉडल कौन से किस टाइप का ग्राफ यूज होगा इसमें ग्राफिकल असाइक्लिक ग्राफ सॉरी डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ यानी कि इसमें एक तो साइकल्स नहीं होंगी ये ग्राफ होगा और डायरेक्टेड होगा यानी कि इसमें एरोज की एक डायरेक्शन होगी और क्या दिखा रहा होगा ये कंडीशनल डिपेंडेंसीज दिखा रहा होगा वेरिएबल्स की जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लू सपोज ए बी सी एंड डी सपोज ये फोर नोट्स हैं और ये इस तरीके से कनेक्टेड हैं ठीक है तो ए जो है वो पेरेंट है और बी और सी क्या है चाइल्ड तो बी और सी जो चाइल्ड है उनकी कंडीशनल डिपेंडेंसी में एक हिसाब से निकालूंगी इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए यानी कि सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसका पेरेंट कौन है ए बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसका पेरेंट कौन है ए अब अगर मैं यहाँ पे डी की बात करूं तो डी और ए का तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं तो डी क्या है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है और ये कैसे होगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ए पे क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका बेजियन बिलीफ नेटवर्क होता है वो डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी शो करता है और आपकी कंडीशनल डिपेंडेंसीज यानी कि पी ऑफ बी बाय ए और पी ऑफ सी बाय ए इनको भी शो करता है थ्रू डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ इसको हम बेस नेटवर्क बिलीफ नेटवर्क डिसीजन मॉडल या बेजियन मॉडल भी कहते हैं और प्रोबेबिलिस्टिक क्यों होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं दो इसमें पार्ट्स होते हैं आपके कौन कौन से डायरेक्टेड ग्राफ और टेबल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हम इसमें ड्रॉ करते हैं ये तो है ही आपका ग्राफ अभी हम देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज जब हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं तो उससे किस तरीके से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है तो देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कर रखा था कि इन सबको हम नोट्स बोलते हैं और ये जो डायरेक्टेड एरोज हैं इनको हम आर्क कहते हैं ये पेरेंट है ये आपके चाइल्ड नोट्स हैं और इनके बीच में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है ये बताता है और आपका जो कंडीशनल डिपेंडेंसीज है वो ये चीज शो करता है तो वही यहाँ पे थियोरेटिकली ये चीज लिखी हुई है उसके बाद ये आपका एग्जाम्पल था इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया और ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम थी क्या तो यहाँ पे डी और यहाँ पे मैं एस यूज कर लेती हूँ और यहाँ पे भी डी क्योंकि मैंने आगे डी और एस है सॉल्यूशन में तो डी जो है डेविड है नेबर है और एस जो है वो सोफिया है तो क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन है हैरी नाम का उसने अपने घर में अलार्म लगाया हुआ है ठीक है उसने अपने घर में अलार्म लगाया हुआ है कि अगर चोरी होगी तो वो अलार्म बच जाएगा लेकिन उस अलार्म में एक चीज और है कि अगर सपोज अर्थ को एक माइनर सा भी आता है तो वो अलार्म बच जाता है ठीक है अब अगर हैरी घर से बाहर जाता है तो उसने अपने नेवर्स को बोल रखा है कि तुम तो मुझे कॉल करके बता देना अगर ये अलार्म बजे तो डेबिट के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो अलार्म की रिंगटोन है वो डेविड के फोन कॉल की रिंगटोन से मैच करती है तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि अलार्म बजा है या उसके फोन की रिंगटोन बजी है और सोफिया के साथ क्या प्रॉब्लम है इसको लाउड म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है तो इसको पता ही नहीं चलता कि अलार्म बजा है या नहीं बजा है तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में ये तो हमारा था प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है कि अलार्म बजा है और ना तो बल्ब करी हुई है यानी कि ना तो चोरी हुई है ना ही अर्थक्वेक आया है और दोनों ने ही कॉल कर दिया है जो आपके डेविड और सोफिया है उन दोनों ने ही कॉल कर कर दिया है, हैरी को और अलार्म आपका रिंग हुआ है लेकिन ना तो बल्गरी हुई है ना ही अर्थक्वेक तो यानी कि डी और एस इन दोनों ने कॉल कर दिया अलार्म भी आपका बजा है और बल आपकी बल्गरी और अर्थक्वेक यानी कि ये नहीं हुआ है तो मैंने इनके आगे नेगेशन लगा दिया ये दोनों फॉल्स है तो इसके लिए अब आप आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे हम अलार्म की डी के कॉल की और एस के कॉल की यानी कि सोफिया और डेविड के कॉल्स की इन तीनों की हम क्या बना रहे होंगे प्रोबेबिलिटी सॉरी कंडीशनल डिपेंडेंसीज की टेबल बना रहे होंगे तो कैसे बनाएंगे देखो अलम जो है उसकी डिपेंडेंसीज किस किस पे है बल्गलरी पे और अर्थक्विक पे तो वही हम कॉलम लेंगे इस तरीके से यहाँ पे बल्क लरी एंड यहाँ पे अर्थक्विक और यहाँ पे हमारे पास अलार्म या तो बजेगा या फिर नहीं बजेगा तो ये प्रोबेबिलिटीज हम इस तरीके से निकाल रहे होंगे टेबल में इसी तरीके से अगर हम डेविड के कॉल की बात करें तो वो सिर्फ अलार्म पे डिपेंड करेगा ठीक है तो वो टेबल कुछ इस तरीके से बन रही होगी कि डेविड का कॉल किस पे डिपेंड करता है अलार्म पे तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया तो डेविड या तो कॉल करेगा या फिर कॉल नहीं करेगा तो ये हुई डेविड कॉल के टेबल अगर मैं सोफिया के कॉल की टेबल भी बनाऊ तो वो भी किस पर डिपेंड करती है उसका पेरेंट कौन है अलार्म है तो वो भी अलार्म पे डिपेंड करेगा अलार्म बजेगा तभी तो सोफिया कॉल करेगी तो या तो वो कॉल करेगी या फिर वो कॉल नहीं करेगी तो इस तरीके से हम टेबल्स को बनाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की अब इनमें कुछ ऑब्जर्वड वैल्यू मैंने पहले से ही लिखी हुई है मैंने कैलकुलेट नहीं की है बट मैंने लिखी हुई है वैल्यूज अब हम देखेंगे कि इन वैल्यूज को यूज करके देखो यहाँ पे मैंने अलार्म के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल बनाई और उसमें मैंने बल्गलरी और अर्थक्वेक को लिया क्योंकि अलार्म के पेरेंट कौन है बल्गलरी एंड अर्थक्वेक इन दोनों पर ही है डिपेंडेंसी क्योंकि इन दोनों में से जब कोई एक सिचुएशन होगी तभी तो अलार्म बजेगा तो इसलिए मैंने ये ले लिया और अलार्म बजेगा या फिर नहीं बजेगा तो ये कुछ मैंने वैल्यूज पहले से ले रखी है और यहाँ पे मेरे यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन दोनों की हेल्प से कि दोनों या तो ट्रू हो या ट्रू फॉल्स हो या फॉल्स ट्रू हो या फॉल्स फॉल्स हो और ये कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज मैंने एज्यूम कर रखे हैं उसके बाद यहाँ पे डी का कॉल यानी कि डेविड के कॉल की अगर हम बात करें तो डेविड का कॉल किस पे डिपेंड करता है भाई अलार्म बजेगा तभी तो डेविड और सोफिया कॉल कर सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे लिखा ए तो यहाँ पे जो भी पेरेंट है डिपेंडेंसी वाली चीज हम यहाँ पे लिखते हैं और क्या क्या हो सकते हैं ये ट्रू और फॉल्स ही हो सकते हैं और डेविड या तो कॉल करेगा या नहीं करेगा ऐसी सोफिया या तो कॉल करेगी या फिर नहीं करेगी तो ये बने टेबल्स किसके सोफिया के कॉल के और डेविड के कॉल के अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है एक तो पांच चीजें हैं इसमें डेविड सोफिया अलार्म बल्गलरी एंड अर्थक्वेक तो हमने देखा कि डेविड ने कॉल किया और सोफिया ने भी कॉल कर दिया कब कॉल किया जब अलार्म बजा ठीक है लेकिन ना तो चोरी हुई थी और ना ही अर्थक्वेक आया था यानी कि ये दोनों है फॉल्स तो अब हम प्रोबेबिलिटी टेबल में से देख के इसमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो डेविड की डिपेंडेंसी किस पे है अलाम पे सोफिया की डिपेंडेंसी किस पे है अलाम पे क्योंकि इसका पेरेंट है तो वही हम वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंगली देखेंगे जैसे डेविड ने कॉल किया तो डेविड वाली टेबल कौन सी है ये वाली है डेविड की टेबल तो डेविड ने कॉल किया यानी कि ये इसमें देखेंगे हम डेविड ने कॉल किया यानी कि डेविड वाला ट्रू हो जाएगा कब कॉल किया जब अलार्म वाला पार्ट भी ट्रू है यानी कि हम ये वाली वैल्यू देखेंगे ठीक है दोनों से नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट 91. तो मैंने यहाँ पॉइंट नाइन वन लिख दिया उसके बाद सोफिया सोफिया ने भी कॉल किया तो हम देखेंगे यहाँ पे सोफिया ने कॉल किया कब कॉल किया जब अलार्म ट्रू था यही तो हमें सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे आ गए तो आ गया पॉइंट सेवन फाइव उसके बाद अलार्म बजा अब अलार्म वाली टेबल में अगर हम जाए तो अलार्म बजा तो अलार्म ट्रू आया कब ट्रू आया जब ना तो बल्गलरी हुई ना ही अर्थ खुक हुई यही तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि नीदर अ बल्गलरी अर्थक्वेक तो दोनों फॉल्स होने चाहिए यानी कि हम यहां पे आ जाएंगे तो 0.001 इसकी वैल्यू होगी तो 0.001 उसके बाद ना तो बल्गलरी और ना ही अर्थक्वेक तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी यहाँ पे ये फॉल्स अर्थक्वेक के लिए और फॉल्स बल्गरी के लिए तो यही वैल्यू हम लिख लेते हैं क्योंकि इनके तो कोई पेरेंट नहीं है ना तो ये तो खुद से गिवन है अलार्म की हमने देखी कि इन दोनों पे है डिपेंडेंसी ठीक है डेविड और सोफिया की किस पे थी डिपेंडेंसी अलाम पे तो हम उसके रेस्पेक्ट में वैल्यूज को लिखे और हमने उसी के रेस्पेक्ट में वैल्यूज को कैलकुलेट किया तो हम हमें कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से वी गेट द आंसर तो ये आ गया हमारा आंसर तो इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद आता है आपका बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर ये क्या करता है कि सपोज आपके पास कोई भी न्यू सिचुएशन आई ठीक है कोई भी न्यू सिचुएशन आई या कोई डेटा सेट आया ठीक है या आपको पास कोई नया इंस्टेंस आया हम कुछ भी कह सकते हैं तो इसके लिए सबसे फेवरेबल आउटकम क्या है वो बताता है बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर आपका कोई भी नया सिचुएशन आया उसके लिए सबसे फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है वो बताता है बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर और ये बेस थ्योरम को यूज करता है इसलिए इसमें लिखा है बेस सो so, पढ़ते हैं डेफिनेशन द बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल तो ये एक प्रोबेबलिस्टिक मॉडल है जो क्या प्रिडिक्ट करता है द मोस्ट लाइकली आउटकम फॉर अ न्यू सिचुएशन यानी कि आपकी कोई भी नई सिचुएशन है तो उसके लिए सबसे फेवरेबल आउटकम यानी कि लाइकली आउटकम कौन सा हो सकता है और बेस थ्योरम पर ये बेस्ड है इट इज रिलेटेड टू मैक्सिमम अ पोस्टीरियोरी अ प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर डिटरमाइनिंग द मोस्ट लाइकली हाइपोथेसिस फॉर द ट्रेनिंग डेटा सेट तो यहाँ पे ये एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये एम ए पी यानी कि मैक्सिमम ए पॉस्टिरी पे बेस्ड है अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए कि ये चीज है क्या मान लो कि हमारे पास एक बड़ा सा सेट है ठीक है और उसमें तीन हाइपोथिस हैं H1, H2 टू एंड एच ये तीनों गिवन हैं H1, H2 टू एंड एच और इनके ये जो पॉइंट फोर पॉइंट थ्री एंड ये वाले पॉइंट थ्री क्या गिवन है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज इनके बारे में हमने डिस्कस करा था इन यूनिट वन इन द प्ले लिस्ट की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज क्या होती है तो यहाँ पे ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो अगर मैं इन तीनों में से ये फाइंड आउट करूँ कि मैप की क्या वैल्यू होगी यानी कि कौन सी हाइपोथेसिस मैप के अंडर आएगी तो जिसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी यानी कि एच वन की वो बन जाएगी मैप यानी कि पॉइंट फोर वाली तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है एच वन इज द मैप हाइपोथेसिस यानी कि जिसकी मैक्सिमम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो बन जाएगी आपकी मैप तो इसी पर ये बेस्ड होता है क्लासिफायर तो यहाँ पे हम एक चीज और एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं कि जैसे हमारे पास ये तीन हाइपोथेसिस थी और मेरे पास एक न्यू इंस्टेंस आया यानी कि एक नई सिचुएशन आई नया वेरिएबल आया एक्स और मुझे बताना था इसको पॉजिटिव में या नेगेटिव में क्लासीफाई करना था किसमें पॉजिटिव में और नेगेटिव यानी कि जो सेट है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है इन दोनों में मुझे क्लासीफाई करना है इस नए इंस्टेंस को तो हुआ क्या जैसे तीन हाइपोथिस थी एच वन एच टू एंड एच थ्री तो इन तीनों में से क्या हुआ कि एच वन ने बताया कि जो ये एक्स है इसको इसने पॉजिटिव बता दिया और एच टू और एच थ्री ने नेगेटिव बता दिया अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी पॉइंट फोर और इसकी इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज क्या थी पॉइंट थ्री एंड पॉइंट थ्री तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट सिक्स तो एक तरीके से अगर देखें तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है पॉइंट सिक्स की यानी कि ओवरऑल अगर हम एक्स को बताएं कि एक्स की क्लास क्या होगी एक्स जो न्यू इंस्टेंस है उसको मुझे प्लस और माइनस में बताना है कि कैसे मेरे को क्लासीफाई करना है तो पॉइंट सिक्स ज्यादा आया तो मैं कहूंगी इसकी जो क्लास है वो नेगेटिव आएगी अब इसी चीज को हम इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे अब ये फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वीजे by डी डी क्या है आपका डेटा सेट और vj क्या है जैसे मेरे यहां पे वी के किस किस में मुझे क्लासिफाई करना था प्लस में या नेगेटिव में तो ये जो प्लस और माइनस है यही मेरे वी आई वीजे यही मेरे वैल्यूज हो जाएंगे ठीक है वीजे के वैल्यूज या तो एक बार मैं प्लस लूंगी और एक बार मैं माइनस लूंगी और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगी और ये क्या हाईपोथिस्य। हाईपोथिस्य। है हाइपोथेसिस कितने हाइपोथेसिस है एच आई मतलब

सबको कंबाइन किया और ये देखा कि सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्लासिफिकेशन किसका यानी कि इनका वेटेज आ रहा था पॉइंट सिक्स इन दोनों का नेगेटिव में और इसका आ रहा था पॉइंट फोर तो मैंने कहा कि ओवरऑल नेगेटिव होगा अब इसी को हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो यहां पे मुझे क्लासिफाई करना है पॉजिटिव में और नेगेटिव में ठीक है तो अगर मैं लिखू प्रोबेबिलिटी एच वन प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस की और डी आपका डेटा सेट है पॉइंट फोर ये गिवन है यहाँ पे एच टू की विद द डेटा सेट डी पॉइंट थ्री गिवन है और एच थ्री की जो हाइपोथेसिस की जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो पॉइंट थ्री की है और अगर मैं निकालू नेगेटिव की और पॉजिटिव की एच वन के लिए तो एच वन ने क्या बताया कि जो आपका एक्स इंस्टेंस है वो कैसा है पॉजिटिव तो मैंने पॉजिटिव के लिए वन लिखा और नेगेटिव के लिए जीरो इसी तरीके से मैंने एच टू को जब देखा एच टू ने क्या बताया कि जो एक्स है वो कैसा है नेगेटिव तो मैंने नेगेटिव के लिए लिखा वन और पॉजिटिव के लिए लिख दिया एच थ्री ने भी यही बताया कि जो आपका न्यू इंस्टेंस किस आया है वो नेगेटिव आया है तो मैंने पे नेगेटिव के लिए वन लिखा और पॉजिटिव के लिए जीरो लिखा अब जब मैं टोटल पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगी तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी तो एच वन के लिए पॉइंट फोर आ रहा है और वन है यहाँ पे पॉजिटिव में वन है और पॉइंट फोर इसकी प्रोबेबिलिटी है एच टू में अगर कैलकुलेट करें तो पॉइंट थ्री इंटू जीरो तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे जीरो है वैल्यू एच टू के लिए सिमिलरली एच थ्री के लिए भी तो यहाँ पे ओवरऑल जो पॉजिटिव की वैल्यू आई वो आई पॉइंट फोर इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो नेगेटिव के लिए एच वन के लिए यहां पे आएगा जीरो यहाँ पे जीरो है प्रोबेबिलिटी बाकी पॉइंट थ्री इंटू वन और यहाँ पे पॉइंट थ्री इंटू वन नेगेटिव के लिए प्रोबेबिलिटी यहां पे पॉइंट थ्री है एच टू के लिए और नेगेटिव देखें तो यहाँ पे वन है तो मैंने वन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ पॉइंट सिक्स तो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है नेगेटिव की आ रही है तो ओवरऑल वी कैन से जो एक्स इंस्टेंस है आपका वो नेगेटिव क्लास का पार्ट है ठीक है पॉजिटिव में हम उसको क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हम इस तरीके से बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर को यूज करते हैं और ये मैप पे बेस्ड होता है मैक्सिमम ए एस्टीरियोरी ओके तो ये थे यूनिट वन एंड टू के रिमेनिंग क्वेश्चंस अब देखते हैं यूनिट थ्री तो यूनिट थ्री में हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में थोड़ा सा हमने आइडिया एल्गोरिथम देखा था उस पर एक बड़ा सा न्यूमेरिकल देखा था थोड़ा लेंथी था बट इजी था सॉल्व करना और यहाँ पे इंडक्टिव बायस रह गया था इंडक्टिव इन्फ्रेंस रह गया था एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन थ्योरी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन गेन एल्गोरिथम इन्फॉर्मेशन आइडियलगोरथ हम जो थी आपकी उसी में मैंने आपको बता दिया था कि इन्फॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी किस तरीके से कैलकुलेट होती है इश्यूज बताए थे डिसीजन ट्री में तो यहाँ पे हम इंडक्टिव बायस इंडक्टिव इंफ्रेंस और डिसीजन ट्री एल्गोरिथम देख लेते हैं और इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में अगर हम देखें तो के एन एन का हमने न्यूमेरिकल किया था बट थ्योरी हमने थोड़ी कम रिवाइज की थी तो वो हम आज देख लेंगे क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए लोकली वेटेड रिग्रेशन कर चुके हैं रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क भी और केस बेस्ड

और उससे आपको कोई भी डिसीजन ट्री ड्रॉ करना है ठीक है डिसीजन ट्री इस तरीके से बनता है रूट नोट होती हैं फिर उसके सब नोट तो मुझे कोई भी डिसीजन ट्री ड्रॉ करना है तो मैंने कुछ एजम्पन मान ली ठीक है मैंने कुछ एजम्पशन मान ली उन एजम्पन्स को ही यहाँ पे इंडक्टिव बायस बोला गया जैसे कि यहाँ पे आईडियल गोरे हम का एग्जाम्पल भी दिया है कि उसमें मैंने एज्यूम कर रखा है कि जिसका भी इन्फॉर्मेशन गेन ज्यादा आता है ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं ना कि जिसका भी इन्फॉर्मेशन गेन ज्यादा आता है उसको ही हम रूट नोड बना लेते हैं तो ये क्या है एक एजम्पन है एक डिसीजन ट्री को बनाने की सलगोरेथम की तो यही होता है हमारे इंडक्टिव बायस की हमने कुछ एजम्पन्स बना रखी है एलगोरेथम्स में उसके बाद क्या आता है इंडक्टिव इन्फ्लुस अब यहाँ पे मैंने रॉ एंड राइट मैंगोज ये मैंने एग्जाम्पल पर्पज से लिखा हुआ है तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इंडक्टिव इन्फ्लुस होता क्या है कि एग्जाम्पल समझते हैं सपोज करो कि आपके पास एक बास्केट है और उस बास्केट में आपके पास मैंगोज हैं अब आपके पास टू टाइप्स के मैंगोज हैं उसमें रॉ एंड राइट यानी कि कुछ कच्चे हैं और कुछ पके हुए मैंगोज आपके पास है तो इंडक्टिव इंफ्लेंस का क्या मतलब होता है कि सपोज आपने एक मैंगो निकाला यहाँ पे फर्स्ट मैंगो निकाला और सेकेंड मैंगो निकाला और दोनों ही मैंगोज आपके कैसे आए रॉ तो आपने क्या करा इन दोनों मैंगोज के अकॉर्डिंग आपने ये बता दिया कि ये जो जितने भी सारे मैंगोज इस बास्केट में ना ये सब रॉ हैं तो यही होता है आपका इंडक्टिव कि आपने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया यानि कि आपने दो मैंगोज निकाले और ये बता दे कि पूरा जो पैटर्न है यानी कि सारा जो बास्केट में जो मैंगोज है वो सब रॉज है लेकिन ऐसा तो है नहीं ना ये तो आपने लॉजिकली बताया कि भाई दो रॉ निकल गए तो बाकी सब भी रॉ निकलेंगे लेकिन रियलिस्टिकली तो ये चीज ट्रू नहीं है ना लॉजिकली आपने बताया बट राइट मैंगोज भी है तो यही आपकाइट सेट ऑफ पास एक्सटेंडिंग द ऑब्जर्व पैटर्न और रिलेशन टू अदर फ्यूचर इंस्टेंसेज एंड इंस्टेंसेज अक्रिंग एल्जवेर यानी कि जो भी आपने निकाले इंस्टेंसेज अक्रिंग एल्सवेर या इंस्टेंसेज रिलेशन टू द फ्यूचर इंस्टेंस यानी कि फ्यूचर में इंस्टेंस जो हो यानी कि जो आपने मैंगोज निकाले उनके अकॉर्डिंग आपने उनका पैटर्न ऑब्जर्व किया और बता दिया कि सारे मैंगोज जो है वो रॉ है तो ये लॉजिकली तो ट्रू है बट रियलिस्टिकली ये ट्रू नहीं है यही होता है आपका इंडक्टिव इंफ्रेंस उसके बाद एक्सप्लेन वेरियस डिसीजन ट्री एल्गोरिथम डिसीजन ट्री लर्निंग एल्गोरिथम्स देखते हैं तो पहला आता है आपका आईडी थ्री अलगोरिथम तो ये हम सॉल्व भी कर चुके हैं टॉप डाइन टॉप डाउन अप्रोच यूज होती है और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि मान लो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है ह्यूमिडिटी एक है विंड और सपोज है कि रेन और इसके अकॉर्डिंग मुझे क्लासिफाई करना है कि एक पर्सन है वो खेलेगा या नहीं खेलेगा तो ये चीज मुझे इन तीनों के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करनी है ठीक है तो ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं तो इन तीनों एट्रीब्यूट्स के लिए मैं सॉल्व करूंगी और क्या सॉल्व कर रही थी इन्फॉर्मेशन गेन सॉल्व कर रही थी मैं आई डी थ्री अलगोरिदम में और ये देख रही थी कि किसका इन्फॉर्मेशन गेन मैक्सिमम है और उसी, उसी को हम क्या बना रहे थे रूट नोड बना रहे थे तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है थियोरेटिकली उसके बाद आता है आपका सी फोर पॉइंट एट फोर पॉइंट फाइव अल्गोरिदम तो ये भी बिल्कुल आई डी थ्री अलगोरिथम जैसा ही है लेकिन इसमें क्या होता है मतलब उसी का ही एक्सटेंशन है लेकिन होता क्या है कि जो आपका डिसीजन ट्री होता है उसमें आपके एट्रीब्यूट कैसे होने चाहिए डिस्क्रीट वैल्यू के होने चाहिए मतलब अगर आपका एट्रीब्यूट कोई ऐसा है जिसकी कॉन्टिन्यूस वैल्यू है तो आपको उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा लेकिन सी फोर पॉइंट फाइव क्या करता है इसके पास एबिलिटी होती है कि ये कॉन्टिन्यूस डेटा पे भी वर्क कर सकता है और डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो है आपके यानी कि अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं उन पर भी काम कर सकता है सी फोर पॉइंट फाइव और एक इसका बेनिफिट है कि ये प्रूनिंग ट्रीज जनरेट करता है प्रूनिंग ट्रीज का क्या मतलब होता है देखो जैसे स्प्लिटिंग होता है ना स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है कि इस तरीके से ट्री को स्प्लिट कर दिया गया ठीक है यानी कि आप बनाते जा रहे हो ऐसे स्प्लिट करते जा रहे हो तो प्रूनिंग इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कि आपको जो इसके लीफ है उनको कट करते जाना है क्यों कट करते जाना है जो भी अननेसेसरी आपके लीव्स है उनको कट करते जाना है जिससे कि आपका ट्री जो है वो थोड़ा स्मॉल हो जाए तो ये क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट ही प्रोनिंग प्रोसेस को फॉलो करता है प्रोनिंग का सिंपल सा मतलब होता है कटिंग ऑफ लीव्स ठीक है जिससे आपका ट्री जो है वो स्मॉल साइज का बने तो ये स्मॉलर डिसीजन ट्री ही जनरेट करता है तो ये आपके सी फोर पॉइंट फाइव एलगोरिदम होती है इसके कुछ बेनिफिट होते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स पे भी काम करती है और प्रोनिंग ट्रीज को जनरेट करती है यानी कि बहुत ज्यादा आपका ट्री जनरेट नहीं करेगी बिग साइज का स्मॉल साइज का ट्री जनरेट करेगी फास्ट होता है मेमोरी एफिशिएंट होता है उसके बाद आता है आपका कार्ट एल्गोरिदम तो जैसे आईडी थ्री एलगोरिदम में हम देखते हैं इंफॉर्मेशन गेन किसका मैक्सिमम है उसी तरीके से हम कार्ट एल्गोरिथम में क्या देखते हैं हम गिनी इंडेक्स देखते हैं और जिसका गिनी इंडेक्स मिनिमम आता है उसको हम क्या बना देते हैं रूट एट्रीब्यूट तो यहाँ पे गिनी इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं और जिसका मिनिमम आता है उसको बना देते हैं हम रूट तो यही चीज यहाँ पे थियोरिटिकली लिखिए कि गिनी इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ इम्प्योरिटी एंड प्योरिटी यूज वेल क्रिएटिंग अ अ डिसीजन ट्री इन कि हमें किसको वो बनाना है रूट नोड या रूट या नहीं बनाना है तो वो जिस गिनी इंडेक्स से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे लिखा है लो गिनी इंडेक्स को प्रेफर किया जाता है यानी कि जिसका मिनिमम होगा उसको बनाया जाएगा और ये सिर्फ बाइनरी स्प्लिट्स ही क्रिएट करता है यानी कि एक जो रूट नोट होगा वो सिर्फ दो बार ही डिवाइड होगा तीन बार डिवाइड नहीं होगा तो बाइनरी स्प्लिट्स ही जनरेट करता है और ये आपका गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला उसके बाद बोलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन बाय द डिसीजन ट्री तो कभी कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जैसे आपका एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है जोर ऑपरेटर है तो इन ऑपरेटर्स को किस तरीके से आपको डिसीजन ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट करना है वो चीज आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है क्वेश्चन में तो वो हम आज देखते हैं कैसे बनाएंगे देखो जब हमारा एंड ऑपरेटर आता है तो हमें पता है कि एंड ऑपरेटर के केस में जब दोनों ट्रू होंगे ए और बी तभी मेरा आंसर आता है। Otherwise, सारे cases में ही आंसर फॉल्स आता है तो यह बात मुझे ध्यान रखनी है end case, end operator में। अब देखते हैं इसका ट्री कैसे करेंगे। ट्री करने के लिए लिए जो भी, जिसके लिए भी जिसके आप कर रहे हो, उसके पास दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी कि या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा तो अगर मैं ए के लिए ड्रॉ करूँ तो ए या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा ठीक है एक मिनट मैं इसको यहां नहीं यहां पे लिखती हूं कि ए या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा अब अगर ए फॉल्स हो गया तो एक फॉल्स हो गया ना तो अल्टीमेटली आंसर क्या आने वाला है फॉल्स मुझे आगे चेक करने की ही जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो दोनों ट्रू चाहिए होते हैं तभी मेरा आंसर ट्रू आएगा तो अगर एक फॉल्स आ गया तो दोनों ही फॉल्स लेकिन अगर एक ट्रू आ गया तो मुझे दूसरा चेक करना पड़ेगा तो दूसरे को मैं चेक करती हूँ कि या तो ये ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है तो अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा लेकिन यहां पे ट्रू आ गया और यहाँ पे फॉल्स आ गया तो आंसर क्या आएगा फॉल्स तो इस तरीके से एंड के लिए हम डिसीजन ट्री बना सकते हैं अगर आप बी से स्टार्ट कर सकते हो तो कैसे बना सकते हो अगर आप बी से स्टार्ट करना चाहो तो बी के भी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो तो अगर फॉल्स हो गया तो मुझे तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना क्योंकि मुझे दोनों ट्रू चाहिए होते हैं तो अगर एक फॉल्स हो गया तो दूसरा चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो आंसर तब भी फॉल्स ही आना है एंड ऑपरेटर के लिए लेकिन अगर एक ट्रू आ गया है तो मेरे को ए को चेक करना पड़ेगा कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है तो अगर दोनों ट्रू आ गया है तो तभी मेरा आंसर ट्रू आएगा और ट्रू और फॉल्स आ गए तो के तो इस तरीके से हम ट्री को ड्रॉ कर सकते हैं डिसीजन ट्री को फॉर द बोलियन फंक्शन आंसर में भी ड्रॉ किया हुआ है सिमिलरली अगर हम और फंक्शन की बात करें तो और में क्या होता है कोई एक भी अगर ट्रू हो ना तो हमें चलता है कि हमें या तो ट्रू ट्रू मिल जाए या ट्रू फॉल्स मिल जाए या फॉल्स ट्रू मिल जाए ए और बी के लिए और अगर हम और निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी मेरा आंसर फॉल्स आता है और बाकी सारी केसेस में आंसर क्या आता है ट्रू तो अगर मैं इसका बाइनरी सॉरी डिसीजन ट्री बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी सपोज ए है तो ए के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि या तो वो ट्रू हो या फिर वो फॉल्स हो यहाँ पे मैंने टेबल भी ड्रॉ करी हुई है और यहां से यही से अगर हम समझें तो ये आपका ए है तो या तो ये फॉल्स हो सकता है या ये ट्रू हो सकता है तो अगर एक भी ट्रू मिल गया तो आंसर मेरा ट्रू ही होगा ठीक है और के केस में क्या होता है कि अगर दोनों में से एक भी अगर ट्रू मिल गया आपको तो मेरा आंसर अल्टीमेटली क्या आने वाला है ट्रू ही आने वाला है और अगर फॉल्स आया है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मुझे एक कहीं पे ट्रू मिल रहा है तो यहाँ पे बी में ट्रू मिल रहा है तो यहाँ पे मेरा आंसर ट्रू हो जाएगा ऐसे अगर मैं बी के लिए ड्रॉ करूं तो बी के लिए भी दो ही पॉसिबिलिटीज है या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो तो अगर ट्रू एक मुझे मिल गया तो ऑब्वियसली सी बात है कि मेरा आंसर जो है वो ट्रू ही आने वाला है क्योंकि एक भी अगर मुझे ट्रू मिल गया तो आंसर ट्रू आएगा लेकिन फॉल्स अगर आ गया तो मुझे चेक करना पड़ेगा ए के कि क्या मुझे ट्रू और फॉल्स मिल रहे हैं मतलब एक ट्रू क्या मुझे मिल रहा है तो यहाँ पे एक ट्रू मिल गया तो आंसर ट्रू आएगा यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा आंसर यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि दोनों अगर एक ट्रू मुझे मिल गया है तो फिर तो मेरा अल्टीमेटली आंसर ट्रू ही आने वाला है ना और के केस में और के केस में क्या होता है मुझे एक ट्रू चाहिए होता है बस जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी मेरा आंसर फॉल्स आता है तो यहाँ पे ट्रू आएगा उसके बाद बोलियन एक्सो आर की बात करें तो बोलियन जोर में क्या होता है कि जब दोनों डिफरेंट हो या तो ट्रू फॉल्स हो या फॉल्स ट्रू हो तभी मेरा ट्रू जनरेट करते हैं तो अगर हम इसके डायग्राम में समझें तो ये मेरा ए सेट है मेरा ए है तो या तो ये फॉल्स जनरेट करेगा या फिर ट्रू तो अगर फॉल्स के साथ ट्रू आ जाता है तो मेरा ट्रू बनेगा या ट्रू के साथ फॉल्स आ जाता है तो मेरा ट्रू बनेगा अदरवाइज ऑल सारे केसेस में फॉल्स बनेगा तो इस तरीके से हम डिसीजन ट्री ड्रॉ कर सकते हैं बोलियन ऑपरेटर्स के अब आते हैं इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग इन मशीन लर्निंग तो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग हमने डिस्कस करी थी उसमें के एन एन लोकली वेटेड रिग्रेशन और केस बेस्ड लर्निंग हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन के एन एन की हमने थोड़ी थ्योरी कम ही रिवाइज की थी तो वो थोड़ी सी यहाँ पे थ्योरी देख सकते हैं और ये दोनों हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो के क्या करती है तो ये सुपरवाइज लर्निंग पर बेस्ड होती है और क्या करती है जो भी आपका नया डेटा सेट है उसमें सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश करती है विद द ओल्ड डेटा सेट यानी कि आपका कुछ ट्रेनिंग डेटा सेट होगा ना जिससे मॉडल को ट्रेन किया गया होगा और आपका कोई न्यू डेटा सेट आया तो इस न्यू डेटा सेट में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं हैं जो इससे मैच कर रही इस डेटा सेट से जिससे कि बता पाएं कि बता पाए इसकी क्या क्लास होगी तो वो चीज बताता है के जैसे कि हम न्यूमेरिकल में भी सॉल्व कर रहे थे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स थे ए और ए और उनकी कुछ वैल्यूज गिवन थी सपोज इसी टाइप से कुछ वैल्यूज गिवन थी और मुझे बताना था कि थ्री कॉमर सेवन ये मुझे नया डेटा सेट गिवन था पर यहां पे इसकी क्लास गिवन थी सपोज ट्रू फॉल्स तो यहां पे मुझे बताना था कि इसकी क्लास क्या होगी तो ये कैसे बताया जाएगा तो जो भी ये नया डेटा सेट है ये हमारा न्यू डेटा सेट है तो जो भी ओल्ड डेटा सेट्स से, है उन्हीं से ही बताया जाएगा कि इसका भी क्या क्लास है तो हम क्या कर रहे थे उसमें हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे इस डेटा सेट से यानी कि हम थ्री कॉमा फोर की

जितने भी वैल्यूज थे उन्हीं को ही हम ऑब्जर्व कर रहे थे और ये देख रहे थे कि उनकी क्या क्लास है जैसे कि सपोज के की वैल्यू थ्री है तो हम स्टार्टिंग के थ्री डेटा सेट्स को ही देख रहे थे जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेज थे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो स्टार्टिंग के थ्री जो थे उन्हीं की क्लास देख रहे थे और देख रहे थे कि कौन कहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम आ रहा है जैसे मान लो कि फॉल्स फॉल्स ट्रू आया तो यहाँ पे फॉल्स ज्यादा बार आ रहा है ना तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो नया डेटा सेट है उसकी भी क्लास क्या हो जाएगी फॉल्स तो गाइज ये हम न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये आप एक बार जाके देखना वीडियो में क्योंकि उसी से आप लोग स्टेप्स इजीली लिख सकते हो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है कि सपोज आपके इनपुट वैल्यू ये ये इमेज है तो ये इमेज ना तो कैट की पता चल रही है अभी ना ही डॉग की पता चल रही है तो के एन यूज करेगा जो भी उसके ट्रेनिंग डेटा सेट्स है और सिमिलैरिटी मैच करने की कोशिश करेगा और फिर आउटपुट को जनरेट करेगा तो उसने ये आउटपुट जनरेट कर दिया कि ये इमेज कैट की है यूज क्या होता है कि वही बताना कि एक पर्टिकुलर जो आपका इंस्टेंस है या डेटा सेट है उसकी क्या क्लास होगी यही इसका नीड है यही इसका यूज है स्टेप्स भी अगर हम देखें तो स्टेप्स में क्या है कि आप पहले तो के आपको एक वैल्यू दी होगी फिर आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ेगा अपने डेटा सेट को यूक्लिडियन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में तो जो जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था न्यूमेरिकल वही यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं सेलेक्ट द नंबर के ऑफ द नेबर्स यानी कि के नंबर्स मतलब जितना आपका के का वैल्यू हो उन्हीं नेबर्स को आप सेलेक्ट करो यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करो उसके बाद उन डेटा पॉइंट्स को अरेंज कर लो असाइन द न्यू डेटा पॉइंट्स टू दैट कैटेगरी फॉर विच द नंबर ऑफ नेबर इज मैक्सिमम एंड आर मॉडल इज रेडी तो इसी तरीके से जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि आप पहले यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालो उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और उसके बाद आप जितनी के की वैल्यू हो उतने ही डेटा सेट से मैच करो कि क्या क्लास है तो जो भी क्लास आपकी मैक्सिमम हो ट्रू या फॉल्स में उसी हिसाब से आपका नया डेटा सेट भी क्लासीफाई हो जाएगा तो यही आपकी वर्किंग है के एन एन की उसके बाद आता है आपका यूनिट फोर इसमें आपका जनरलाइजेशन रह गया था और कन्वर्जेंस क्या होता है ये रह गया था बाकी हमने कवर कर लिया था और यहाँ पे केस स्टडी हमें देखनी थी सी एन एन की तो वो चीज देखते हैं कन्वर्जेंस और जनरलाइजेशन देखो क्या होता है तो कन्वर्जेंस का मतलब हम एक ग्राफ से समझते हैं सपोज करो ये ग्राफ है इस तरीके से तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जब मैं सॉल्व कर रही थी तो पहले वैल्यू ये आई फिर वैल्यू यहाँ पे आई फिर एक वैल्यू यहां आई फिर यहाँ फिर यहां फिर यहाँ फिर क्या हुआ कि वैल्यू में जो एरर्स हैं वो आने कम हो गए ठीक है फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट सी वैल्यू आने लग गई तो यही आपका कन्वर्जेंस होता है कि ऐसा पॉइंट आपके ट्रेनिंग डेटा में आपके ट्रेनिंग मॉडल में ऐसा पॉइंट जहां पर लर्निंग रेट जो है वो कम हो जाए और एरर्स भी कम हो जाए तो यहां पे अगर हम ये पॉइंट देखें तो इस पॉइंट के बाद अगर आप देखो कि चेंजेस बहुत कम आ रहे हैं तो यही हमारा कन्वर्जेंस है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद आपके एरर्स आने बंद हो जाए क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चेंज हो रही थी ना यहां तक वैल्यू यानी कि यहाँ पे एरर ज्यादा थे और यहाँ पे वैल्यूज चेंज होनी बंद हो गई इतने पार्ट में यहां से यहां तक तो इसका मतलब क्या है कि यही यहां से जो पॉइंट है ये है आपका कन्वर्जेंस पॉइंट है न्यूरल नेटवर्क में कि यहां से आपके एरर्स आने बंद हो गए कन्वर्जेंस ये बताता है कि आपको कितने इटरेशंस में अपना न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना है जिससे कि आपका मिनिमम एरर प्रोड्यूस हो तो ये सब कुछ कन्वर्जेंस बताता है उसके बाद न्यूरल नेटवर्क में कन्वर्जेंस कभी कभी फेल भी हो जाता है क्यों हो जाता है या तो आपने ट्रेनिंग डेटा कम दिया हो या आपने वेट्स प्रॉपरली असाइन ना करें क्योंकि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें हर नोट को हमें वेट असाइन करना होता है तो वेट आपने सही से नहीं दिया या फिर नोट्स नंबर ऑफ नोट्स ही कम है ठीक है इनफ नोट्स ही नहीं है जैसे पे लिखा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉट इनफ नोट्स तो नोट्स ही इनफ नहीं है ये रीजन हो जाते हैं कि कन्वर्ज होने में फेल हो जाता है न्यूरल नेटवर्क तो कुछ चीजें हैं कि हम इस कन्वर्जेंस के फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं तो पहला कि हम एक अच्छा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करें एक फेवरेबल एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करें और वेट्स को री इनिशलाइज करें अगर हमें लगता है कि वेट्स हमारे सही से असाइंड नहीं हुए नोट्स के तो उनको हम री इनिशलाइज कर सकते हैं अर लर्निंग रेट और द नंबर ऑफ इपोक्स शुड बी अवॉइडेड टू मेक द न्यूरल नेटवर्क कन्वर्ज फास्टर अब ये इपोक क्या होता है जैसे कि मान लो कि आपका इनिशियल लेयर है यहाँ पे हिडन लेयर्स होंगी काफी सारी और फिर ये आपका आउटपुट लेयर हो जाएगा और ये आपस में सब ऐसे कनेक्टेड होंगे ठीक है तो आप इपोक का क्या मतलब होता है कि वन वन साइकिल साइकिल ऑफ ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनिंग ठीक है जिसमें आपका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों इंक्लूड होता है कि आप एक बार ऐसे चले फॉरवर्ड और एक बार आप बैकवर्ड चले तो इन दोनों को प्लस करके जो एक जो ट्रेनिंग बनता है वो साइकिल ही है यानी कि एक बार फॉरवर्ड ट्रेनिंग एंड बैकवर्ड ट्रेनिंग इन दोनों को मिला के आपका एक साइकिल ऑफ ट्रेनिंग बनता है इसको हम बोलते हैं इपोक तो हायर लर्निंग रेट और नंबर ऑफ इपोक्स शुड बी अवॉइडेड तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कन्वर्ट जल्दी हो जाए न्यूरल नेटवर्क जो है तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ इपोक्स मिनिमम ही रखने चाहिए यानी कि बहुत ज्यादा उसमें ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट न हो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक ट्रेनिंग करते जा रहे हैं तो वो चीज़ मिनिमम होनी चाहिए वो चीज कम होनी चाहिए वो चीज ज्यादा ना हो तो ये चीज लिखिए आप उसके बाद आपका जनरलाइजेशन क्या होता है तो देखते हैं जनरलाइजेशन क्या होता है दिस असेंशियल मीन्स एसेंशियली मीन्स हाउ गुड आर मॉडल इज आर लर्निंग फ्रॉम द गि डेटा एंड अपलाइंग द लर्न इंफॉर्मेशन एल्स वेयर तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है मान लो कि मेरे पास टेन इमेजेस है ठीक है टोटल टेन इमेजेस है किसकी डॉग्स की और उनमें से मैंने एट इमेज से अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया ठीक है तो मैंने एट इमेज ट्रेनिंग में दे दी और जो बची हुई टू इमेजेस थी वो मैंने टेस्टिंग के लिए रख ली कि मैं इन दोनों इमेजेस से टेस्ट करूंगी मॉडल को कि कि समझ में आया आया या नहीं डॉग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो यही चीज होता है जनरलाइजेशन मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग सेट दिए और मैं ये देख रही हूँ कि टेस्टिंग सेट से कितना अच्छे से काम कर पा रहे हैं टेस्टिंग सेट्स पे मेरा मॉडल तो यही मेरा होता है जनरलाइजेशन कि आपके मॉडल ने कितनी अच्छे से लर्निंग की कि जो आपका ट्रेनिंग सेट है उसको वो ट्रेनिंग डेटा को किस तरीके से टेस्टिंग डेटा पर यूज कर पा रहा है यही चीज कहलाती है जनरलाइजेशन वेन ट्रेनिंग अ न्यूरल नेटवर्क इज गोइंग टू बी सम डेटा दैट द न्यूरल नेटवर्क ऑन एंड इज गोइंग टू बी सम डेटा फॉर चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यूरल नेटवर्क तो यही चीज लिखा है कि कुछ डेटा मैंने कुछ डेटा से मैंने ट्रेन किया और कुछ डेटा मैंने टेस्टिंग के लिए रखा कुछ रिजर्व डेटा रखा चेक करने के लिए अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस जैसे कि मैंने यहाँ पे टू इमेजेस रखी मैंने अपने नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए और एट इमेजेस से मैंने उसको ट्रेन किया इफ द न्यूरल नेटवर्क परफॉर्म्स वेल ऑन द डेटा इन विच इट हैज हैज नॉट देन वी कैन से इट इट इज वेल हैजनरलाइज्ड इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जो डेटा आपका जो मॉडल है वो टेस्टिंग डेटा पर अच्छे से काम कर जाता है यानी कि एक ऐसे डेटा पे जिससे आपने ट्रेन नहीं किया उस डेटा पे भी अगर काम कर रहा है आपका मॉडल यानी कि वो वेल जनरलाइज्ड है ड्यू टू तो ओवरफिटिंग न्यूरल मतलब नेटवर्क तो लेकिन आपने कुछ नया दे दिया यानी कि जैसे दो नई अलग पिक्चर्स दे दी डॉग्स की और टेस्टिंग डेटा दे दिया तो वहां पे सही काम नहीं कर पा रहा तो ये चीज कहलाती है ओवर फिटिंग तो इसके लिए हम कुछ अलगोरदम्स यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट आता है जिससे कि ओवर फिटिंग कम हो पाए तो इसमें क्या होता है कि सपोज ये आपका न्यूरल नेटवर्क है तो इसमें से क्या होगा कि जो अनवांटेड न्यूरॉन्स हैं उनको हटा दिया जाएगा जैसे ये वाला न्यूरॉन ये ये तो इनकी जरूरत नहीं है तो उनको हटा दिया जाएगा जिससे कि ओवर फिटिंग हट जाए तो ये होता है आपका जनरलाइजेशन एंड कन्वर्जेंस इन न्यूरल नेटवर्क तो इकाइस ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था इन ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस टेन मार्क्स में उसके बाद आता है आपका केस स्टडी ऑफ सी एन एन फॉर स्पीकर एंड सेल्फ ड्राइविंग कार तो ये देखते हैं एक बार तो सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या है सी एन एन इज अ प्राइमरी एल्गोरिथम दैट दी सिस्टम यूज टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाइ डिफरेंट पार्ट ऑफ रोड एंड मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन तो सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए आपको हर एक पार्ट जो है रोड का ठीक है उसको आपको समझना पड़ेगा और उस उसपे उसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी और वो भी आपकी करेक्ट होनी चाहिए तो आपको एक तो रोड्स के डिफरेंट पार्ट को समझना पड़ेगा और अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना पड़ेगा तो इसके लिए हमारे पास चार चीजें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा अगर हमें सेल्फ ड्राइविंग कार को समझना है तो पहला है परसेप्शन देन लोकलाइजेशन प्रडिक्शन एंड डिसीजन मेकिंग अभी देखते हैं इनके बारे में क्या है तो परसेप्शन का मतलब होता है कि एक जो मॉडल है ठीक है यानी कि जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है वो अपने आसपास देख पाएगी क्या चल रहा है ठीक है अपना सराउंडिंग्स देख पाए तो सराउंडिंग्स कैसे देख पाएगी तो उसके पास कैमरा होना चाहिए ठीक है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये सब होना चाहिए लाइट आर यानी कि ये क्या करेगा ये कुछ लाइट वेव्स भेजेगा जिसके हिसाब से जो इसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है या डिटेक्ट किया जा सकता है कि आसपास क्या है ऐसे ही रेडार रेडार की हेल्प से भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं मिलिट्री वाले यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तो वहां पे भी ये यूज हो सकता है तो परसेप्शन का सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी जो कार है सेल्फ ड्राइविंग कार तो उसके आसपास की चीजें क्या है उन, उनको देखना फिर आता है आपका लोकलाइजेशन लोकलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो पोजिशन है और ओरिएंटेशन क्या है आपके व्हीकल का ठीक है किस पोजिशन में चल रहा है और क्या ओरिएंटेशन है व्हीकल का वो चीज आती है लोकलाइजेशन में प्रिडिक्शन का क्या मतलब है कि प्रिडिक्शन क्या करेगा कि यहाँ पे एन नंबर ऑफ पॉसिबल एक्शन और मूव्स ऑन द एनवाइ तो प्रशन क्या क्रिएट करता है कि सपोज यहाँ पे कार है तो कार देखेगी ना कि एनवायरमेंट में क्या हो रहा है कहाँ पे ट्रैफिक लाइट है कहाँ पे दूसरी कार है कहाँ पे दूसरे व्हीकल्स हैं तो एनवायरमेंट के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस कार के लिए चलने की वो सब बताता है प्रिडिक्शन तो इसको अपने 360 व्यू में

तो ये ये क्या है एक स्मार्ट स्पीकर का एग्जाम्पल तो आपको कुछ हार्डवेयर चाहिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेट्स चाहिए तो रेस्ट वेरीफाई हो गया तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेट होता है फिर आपका एक यूएसबी माइक यूएसबी साउंड कार्ड री स्पीकर टू मिक्स हार्ट तो ये सब नेम्स है आपके हार्डवेयर कॉम्पोनेट के एस डी कार्ड हो गया स्पीकर हो गया ऑक्सिलरी केबल हो गया तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी स्मार्ट स्पीकर बनाने के लिए और इसमें क्या यूज हो रहा होगा स्पीच रिकॉग्निशन यूज हो रहा होगा आपने कुछ बोला और आपका जो डिवाइस है उसने समझा स्मार्टली तो वहां पे स्पीच रिकॉग्निशन हो रहा होगा तो सीएनएन भी अच्छा रोल प्ले करता है इन रिकॉग्नाइजिंग द स्पीच तो सीएनएन इज अप्लाइड एज एडवांस डीप न्यूरल नेटवर्क टू क्लासीफाई वर्ड फ्रॉम आर कोल्ड डेटा सच एज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन टास्क यानी कि क्या करेगा कि जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो जो भी आप स्पीच बोल रहे हो ठीक है और क्योंकि न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड होता है तो इसकी एक्यूरेसी भी हाई होगी तो जो भी आप वर्ड्स बोलोगे उनको ये एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाएगा तो इस तरीके से सी एन एन यहाँ पे यूज हो रहा है फिर आता है आपका री एनफोर्समेंट लर्निंग यानी कि यूनिट फाइव तो ये हमने यूनिट फोर तक कवर कर लिया है तो यूनिट फाइव में आपके एप्लीकेशन रह गए थे मॉडल्स ऑफ एवोल्यूशन लर्निंग और यहाँ पे ये यह एप्लीकेशन इनको हम देखते हैं तो री एनफोर्समेंट लर्निंग के क्या एप्लीकेशन है तो पहला है रोबोटिक्स में तो रोबोटिक्स में यूज होता है आपका री एनफोर्समेंट लर्निंग

और जो भी काम है वो सब ह्यूमंस की तरह इमिटेट करें बिल्कुल लेकिन इनके अंदर इमोशंस तो नहीं होते रोबोट्स के अंदर तो इसीलिए ये मॉरल और सोशल डिस्टेंस सोशल डिसीजन सॉरी ये सही से नहीं ले पाते इनके अंदर कॉमन सेंस नहीं होता तो पहला पॉइंट हुआ कि रोबोटिक्स में यूज कर सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में हम यूज कर सकते हैं री लर्निंग को तो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन फॉर ट्रैफिक कंट्रोल एक्टिविटीज ट्रैफिक को अगर कंट्रोल करना हो उसकी एक्टिविटीज को तो वहां पे हम री लर्निंग यूज कर सकते हैं गेमिंग में यूज कर सकते हैं री लर्निंग को हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत सारे डेटा सेट्स दे सकते हैं और जैसे ये इसमें क्या है? होता है एजेंट होता है एनवायरमेंट से इंट्रैक्ट करता जाता है और खुद सीखता जाता है तो इस तरीके से हम गेमिंग्स भी बना सकते हैं यूजिंग दिस फिर आता है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें आ सकती है जैसे टेक्स्ट समराइजेशन प्रिडिक्टिव टेक्स्ट क्वेश्चन आंसरिंग मशीन ट्रांसलेशन ये सब क्या है आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल है तो ये सब भी री लर्निंग को यूज करती है तो होता क्या है कि एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता है लैंग्वेज के पैटर्न को और जो री लर्निंग में जो एजेंट होता है वो उन सबको मिमिक करना स्टार्ट कर देता है और फिर प्रिडिक्ट करता है कि किस तरीके से उसको बोलना है हर दिन ठीक है तो पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा मेमिक करना स्टार्ट करेगा और प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देगा तो इस तरीके से हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी यूज कर सकते हैं मॉडल्स क्या क्या यूज होते हैं फिर आपके इवोल्यूशन एंड लर्निंग में तो दो मॉडल्स यूज होते हैं आपके लैमाकिन एंड बैल्विन इफेक्ट तो लेमाकिन इवोल्यूशन या फिर बैलविन इफेक्ट ये आपके दो इवोल्यूशन मॉडल्स होते हैं

आए होंगे इनके जेनेटिक्स में वो सब भी आएंगे और कुछ न्यू जेनेटिक्स तो ये ये कहता है 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 फिर आता आपका इफेक्ट क्या बताता इट अबाउट द लर्निंग बिहेवियर इट मेजर कॉस्ट ऑफ लर्निंग इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी तो अगर हम कहें कि लर्निंग की क्या कॉस्ट होती है किस तरीके से मेजर करता है लर्निंग बिहेवियर को तो टाइम और एनर्जी इन दोनों के बेसिस पे ये लर्निंग बिहेवियर को कैलकुलेट करता है तो ये आपके दो मॉडल्स थे इवाल्यूशन एंड लर्निंग के फिर आते हैं आपके एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम तो पहला है ऑप्टिमाइजेशन तो हम जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज ही ये करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं उनमें से हम ट्राई करते हैं कि हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल पाए ठीक है एक ऐसा सॉल्यूशन जो ऑप्टिमल हो तो वहां पे ऑप्टिमाइजेशन में यूज होता तो हो है तो ऑप्टिमल प्रॉब्लम्स क्या होती है आपकी जहां पे आप या तो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं या मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं अपने प्रॉब्लम को तो वो चीज हुआ फिर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आपकी क्या कहती है कि आपका एक सेल्समैन होता है उसको एक जगह से ट्रेवल करना होता है और सारी जगहों को ट्रेवल करना होता है इन मिनिमम कॉस्ट तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में भी यूज होती है आपके एल्गोरिथम तो फाइनेंशियल मार्केट्स में भी यूज होती है शन ऑफ पैरामीटर दैटेट द मार्केट रूल्स एंड ट्रेडर्स तो हम जेनेटिक एल्गोरिथम की हेल्प से अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स निकाल सकते हैं उनका कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे हमारे मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं तो वो हम जेनेटिक एल्गोरिथम से कर सकते हैं फिर आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑप्टिमाइज से हम जब भी कोई सिस्टम मैन्यक्चर करते हैं तो हम चाहते हैं हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी क्या है एक ऑप्टिमाइजेशन का एक्साम्पल है तो मैनुफेक्चरिंग सिस्टम में भी जेनेटिक एल्गोरे हमको यूज किया जाता है फिर आता है आपका पैरामेट्रिक डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट तो अगर आपको एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग करनी हो तो क्या क्या बेटर सोल्यूशन हो सकते हैं जैसे आपके डिजाइनिंग के बहुत सारे तरीके हैं तो उनमें से बेस्ट सोल्यूशन क्या है तो वो भी आप जेनेटिक एल्गोरिथम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो सो so गाइज ये थे आपके रिमेनिंग क्वेश्चन लर्निंग के डू वॉच दिस वीडियो गाइज और अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो भी मुझे आप कॉमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट आता है वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बताएं कोई सजेशन हो गाइस वो भी बताएं सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में